नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 18 नवंबर और दिन शुक्रवार का। आज के दिन तक के घाटों पर क्या स्थिति है उसे इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको। शुरुआत आप देख रहे हैं दशाश्वमेध भवन से, जहाँ पर अभी भी यानी कि 8 नवंबर तक इस भवन में दुकानें शुरू नहीं हुई हैं। जैसे कतेसा वैसा ही अभी बंद है। फिलहाल यहाँ पर काम भी रुका हुआ है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। सामने में यहाँ ऊपर में काम चल रहा था, घाट का दृश्य यहाँ पर दर्शाया जा रहा था जो अभी फिलहाल बंद है। चलिए दशाश्वमेध घाट की तरफ चलते हैं। ये आप देख रहे हैं सामने में दशाश्वमेध घाट, इधर आप देख रहे हैं नीचे की तरफ दशाश्वमेध घाट का दृश्य, इस तरफ माँ गंगा का मंदिर। इस तरफ देखेंगे तो घाट पर और जगह जगह श्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर काशी सम्मेलन में आगमन है 19 नवंबर को, वड़क्कम काशी, काशी तमिल संगमम। फिलहाल आपको घाट की तरफ ले चलते हैं, नीचे की तरफ, और वहाँ का दृश्य आपको दिखाते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक के चल के। ये देख रहे हैं घाट काफी साफ लग रहा है। देखेंगे दशाश्वमेध घाट का एक रंग ये भी है, जहां आप देख रहे हैं यहां पर लोगों द्वारा मालिश भी करवाया जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। देखेंगे तो चौकियों के नीचे तक के माँ गंगा का जल स्तर जा चुका है और नीचे भी चौकियाँ लग चुकी हैं पंडितों की। फिलहाल सामने की तरफ गंगा नदी में नौकायन का दृश्य। चलिए दशाश्वमेध घाट से आगे चलते हैं राजेंद्र प्रसाद घाट से होते हुए अन्य घाटों की तरफ। ये देख रहे हैं दृश्य राजेंद्र प्रसाद घाट से। और ये आप देख रहे हैं मान महल घाट का दृश्य। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रवासी पक्षी लगातार नाव के पीछे पीछे चलते हैं और दाना देने पर आगे पीछे उड़ने लगते हैं। क्या आप दृश्य देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत दृश्य अब लगता है क्योंकि हल्की हल्की ठंड वाराणसी में पड़ने लगी है और मौसम काफ़ी सुहाना है। इस समय पर्यटकों की काफ़ी भीड़ बढ़ जाती है बनारस में। चलिए मान महल घाट से आगे
यहाँ पर फिलहाल देखेंगे तो घाट की सफाई अब नीचे की तरफ की जा रही है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ नीचे की तरफ जमा मिट्टी को अब धीरे धीरे साफ किया जा रहा है, क्योंकि गंगा का जल स्तर फिलहाल और भी नीचे की तरफ जाता हुआ जहाँ तक घाट की सीढ़ियाँ हैं वहाँ तक सफाई होगी। चलिए इसी दृश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। इधर देखेंगे तो मान महल घाट के नीचे ये सब साफ सफाई हो रहा है। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर साफ सफाई और इधर मान महल घाट। चलिए त्रिपुर भैरवी घाट के पास हम आ चुके हैं। यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी अभी मिट्टी का साफ होना बाकी है, क्योंकि ऊपर संपर्क मार्ग एक घाट से दूसरे घाट तक जाने के लिए बिल्कुल साफ हो चुका है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। लेकिन नीचे की तरफ अब सफाई धीरे धीरे की जा रही है। सामने मीर घाट, ये आप देख रहे हैं त्रिपुर भैरवी घाट, और इसके सामने मीर घाट। तो चलिए मीर घाट तक चलते हैं। ये ऊंची बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मीर घाट पर है और ये नमामि गंगे का स्लोगन। लेकिन आश्चर्य वाली बात ये होती है कि जहाँ पर ये स्लोगन लिखा रहता है वहीं पर लोग गंदगी करते हैं। ये आते हैं मीर घाट का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ मैं, घाट की सीढ़ियाँ, और नीचे की तरफ देखेंगे तो आप इधर घाट के काफ़ी नीचे सीढ़ियों तक गंगा का जल स्तर, ये आप देख रहे हैं नीचे की तरफ। ये आप देख रहे हैं अलका होटल मीर घाट पर स्थित है ये होटल, और ये चला जाएगा आपका पशुनाथ मंदिर, ललिता घाट और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फेस टू की तरफ। और ये दृश्य आप देख रहे हैं काफी खूबसूरत दृश्य, पक्षियों का झुंड यहाँ नाव के पीछे पीछे। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।